ये लोग बहुत ही ज्यादा डिटेक्टिव किस्म के होते हैं, हर चीज जाननी होती है इनको, क्लीनलीनेस के लिए पागल होते हैं ये लोग, एकदम कह सकते हैं हम क्लीनलीनेस फ्रीक होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं ये लोग, इनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, कोई भी चीज इनको जल्दी पसंद भी नहीं आती है, एक ही टाइम में दो तीन काम कर रहे होते हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट भी कर लिया वो सब्जेक्ट कर लिया, इस तरीके का इनका नेचर होता है। फाइनेंशियली थोड़े ट्रबल्स रहते हैं इनके, कह सकते हैं इनके हाथों में एक जादू होता है, एक हीलिंग पावर होती है, एबिलिटी होती है कि लोगों को हील कर सकें, अगर ये इस करियर में भी जाते हैं, हीलिंग करियर में या कल्टिस्ट बनते हैं तो वो भी इनके लिए बेस्ट है। तो समझ पा रहे हैं मैं किन के बारे में आज बात कर रही हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कन्या राशि के बारे में, जो कि है हमारी सिक्स्थ ज़ोडियक साइन वर्गो। तो जिनका भी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर वो कन्या राशि से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो परफेक्ट है, या फिर आपके कोई फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी कन्या राशि का जातक हो तो उनको आप ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा, वो भी जान पाएंगे कि उनकी राशि में ऐसे क्या गुण हैं जो उनके अंदर हैं। एक राशि हमें बताती है हमारे स्वभाव के बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में कि हम कैसे हैं, हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिका चौहान स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो खोज में। हमारी 12 राशियों में कन्या राशि एक ऐसी राशि है जहां से शुरुआत होती है पूर्ण स्वरूप की। इससे पहले जो भी मैंने राशियां बताई हैं, एरीज, टॉरस, लियो, कैंसर, ये सारी राशियां अपूर्ण हैं, यहां से पूर्णता की शुरुआत होती है। देखिए ना आप, इसका स्ट्रक्चर फुल एक गर्ल का सिंबल है, तो ये ऑपोजिट सेक्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं ये लोग, इनकी आईज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव किस्म की होती है। ये लोग मुफ्त में सलाह बहुत जल्दी देते हैं, इनसे कोई सलाह नहीं भी मांगेगा फिर भी ये उसको जरूर से देंगे, इनकी आदत है ये, इस तरीके का इनका नेचर होता है। हर चीज की खोजबीन चाहिए, कहाँ क्या बात हो रही है, कौन क्या कर रहा है, इनको सब कुछ जानना है, डिटेक्टिव किस्म का नेचर होता है इनका। हाथों में तो इनके जादू है, हीलिंग पावर्स है, किसी की अगर ये चंपी भी करेंगे ना तो उसको एकदम रिलैक्स हो जाएगा, अगर उसको हेडेक या कोई प्रॉब्लम आ रही, इस तरीके की इनकी हीलिंग पावर्स होती है। खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, कोई भी चीज इनको जल्दी से समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती, मतलब चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो खाने पीने की कोई चीज हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो कहीं घूमने की चीज हो, कोई भी चीज अगर आप इनको कोई गिफ्ट भी दोगे तो इनको जल्दी से वो चीज पसंद नहीं आती है। साफ सफाई का कीड़ा है इनके अंदर, कहीं भी गंदगी होगी या कुछ भी ऐसा होगा जहां पे थोड़ा सा मेस्ड अप होगा तो इनको वो चीज पसंद नहीं आती, एकदम परफेक्शन चाहिए हर चीज में, उस तरीके का इनका बेसिक नेचर होता है। ये ना बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इनका बहुत अच्छा होता है, जो होते हैं वो दिखते नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एक तो सेंसिटिव है ये लोग, इफेक्टिव है ये लोग, बहुत ज्यादा इनको हर चीज चुभ जाती है बहुत जल्दी, और पलट के जवाब बहुत जल्दी दे देते हैं, अगर इनको कोई चीज समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई तो तुरंत आपको उल्टा जवाब देंगे, रूड हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा रूखा बोल देते हैं। तो इनसे जब आप बात करें तो थोड़ा संभल के करिएगा, अदरवाइज आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है, हो सकता है आपकी भी कोई बात इनको बहुत ज्यादा बुरी लग जाए और ये आपको उल्टा जवाब दे दे या फिर बहुत रूखा बोल दे। वैसे दिल के बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, मल्टीटास्कर्स होते हैं, एक टाइम में 2 से 3 काम भी कर लेंगे, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, ये देने की राशि है, मतलब अगर ये किसी सर्विस इंडस्ट्री में है जिसमें सिर्फ देने वाला काम कर रहे हैं या फिर जॉब भी इनकी कुछ ऐसी है जो सर्विस से रिलेटेड है तो ये लोग बहुत ऊंचाइयां छूते हैं, मतलब सक्सेस इनको बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि हर चीज देने के लिए, अगर खिलाए, अगर आप इनके घर भी जाओगे तो ये आपको बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, तो हर चीज आपको, मतलब ये गिवन वाला नेचर इनका बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बहुत ही ज्यादा फोकस्ड लोग होते हैं ये वर्गो वाले, और डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर, हर चीज एकदम डिसिप्लिन से करते हैं, उसकी वजह से ये सक्सेस भी डिजर्व करते हैं, मतलब इनको सक्सेस मिलती भी है अपनी जिंदगी में, और क्योंकि
बुध ग्रह से रूल होती है ये राशि, तो इंटेलिजेंट तो बहुत ज्यादा, हर काम बहुत तेजी से करते हैं, चेंज चाहिए इनको क्योंकि बुध ग्रह है ना इतना ज्यादा फास्ट, और पृथ्वी तत्व मतलब अर्थ एलिमेंट से गवर्न्ड है, तो इनको ग्राउंडेड रहते हैं, ज्यादा दिखावा नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते, ग्राउंडेड रहना पसंद है इनको, थोड़ा सा स्टेबल भी होते हैं, हर किसी की बात सुनते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, आप नहीं भी मांगोगे हेल्प तब भी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे से आगे जाके आपकी हेल्प करेंगे। इनके दिमाग में ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, इनके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ऑब्जर्व करते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बारे में इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया होगा, बाद में बताएंगे कि अच्छा आप ऐसा सोच रहे थे, उस तरीके का इनका नेचर होता है। फाइनेंशियली थोड़ा सा ट्रबल्स रहता है इनको लाइफ में, लेकिन उसको ये ओवरकम भी खुद से करते हैं, पैसा बहुत ही ज्यादा सोच समझ के यूज करते हैं, खर्च करते हैं, वेल्थ को स्टोर करते हैं, क्योंकि ट्रबल रहता है तो उसकी वजह से ये ऐसा करते हैं कि हर चीज में सोच समझ के 10 बार सोचेंगे तब जाके ये खर्च करेंगे। इनके बच्चे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको थोड़ी सी ट्रबल रहती है तो ये अपने बच्चों को उसी डायरेक्शन में बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम रही है तो एटलीस्ट उनका बच्चा वो प्रॉब्लम तो एटलीस्ट ना फेस करे, तो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, तो इनके बच्चे बहुत ज्यादा आगे जाते हैं, बहुत अच्छी जॉब या बिजनेस या जो भी वो चाहते हैं वो बनते हैं। इनकी चॉइसेस बहुत डिफरेंट होती हैं, सबके जैसी नहीं होती, रिलेशनशिप में भी ये लोग बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट और लॉयल होते हैं, ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर भी ऐसा ही हो। इनको रिलेशनशिप में भी सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है, ये जितना ज्यादा देते हैं उतना ज्यादा इनको मिलता नहीं है, ये थोड़ा सा इशू रहता है। हेल्थ की बात करें तो इनको इनडाइजेशन और खांसी जुकाम टाइप का पेट से रिलेटेड इश्यूज थोड़े ज्यादा रहते हैं। ये लोग ज्यादातर अगर आपके जान पहचान में आप होंगे तो आप देखोगे कि सनसेट के बाद ये लोग थोड़ा कम हैवी डिनर लेते हैं, ज्यादा खाते नहीं है, सनसेट से पहले इनका ज्यादातर डिनर वगैरह हो जाएगा, या फिर अगर खाएंगे भी तो बहुत लाइट खाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है आपकी। अगर हम देखें कि आपका फेवरेबल डे कौन सा होता है, मतलब कौन से दिन पे आपके ज्यादातर काम बन जाते होंगे, तो वो है वेडनेसडे बिकॉज ऑफ बुध ग्रह, सैटरडे और संडे। आप ऑब्जर्व करना कि देखना कि इस इन 3 दिनों में से आपके काम जल्दी बन जाते होंगे। अगर मैं नंबर की बात करूं कि आपके फेवरेबल नंबर्स कौन कौन से हैं, आपके सपोर्टिव नंबर्स हैं 3, 5, 6, 9, ये नंबर्स आपके सपोर्टिव हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे नंबर्स नहीं है, बट ये कन्या राशि को झगड़े की राशि भी बोला जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अगर गुस्सा आ गया तो फिर एक तो आता नहीं है जल्दी, अगर आ गया तो फिर इनसे बुरा कोई नहीं, इतना ज्यादा रूखा बोलेंगे फिर आपसे बात भी नहीं करेंगे, इस तरीके का इनका होता है कैरेक्टर। अगर मैं रेमेडीज की बात करूं, मतलब लास्ट में जो टिप देती हूं उसकी बात कर रही हूं, तो आपके लिए यही एक टिप है कि आप लोग थोड़ा सा शांत रहा करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन किया करिए। ये मैं ज्यादातर अपनी राशि में बताती हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है, आजकल हर किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हर कोई बहुत जल्दी एग्रेसिव होने लग जाता है, तो मेडिटेशन करिए, थोड़ा अपने आप को शांत रखिए। जो आप जल्दबाजी में हर काम कर लेते हो, कभी कभार कोई डिसीजन भी ले लेते हो आप जल्दबाजी में, उस पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ के आराम से डिसीजन लिया करो, सनलाइट में थोड़ा सा घूमो फिरो, थोड़ा सा ज्यादा जब आप ट्रैवल करोगे घूमोगे फिरोगे तो जल्दी जल्दी आपको चेंज मिलेगा, तो उससे ना आपके इमोशंस भी बैलेंस्ड रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हो जल्दी, लोगों की बात आपको जल्दी से चुभ जाती है, फिर उसको सोचते रहते हो, तो इस चीज में आप ज्यादा ज्यादा ट्रैवल करोगे, अपने बच्चों के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताओगे, वो सब चीजें आपके लिए एक रेमेडी की तरह से काम करेंगी और बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों का कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा रहता है, बुध ग्रह की वजह से आप लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हो, इंटेलिजेंट बुद्धिमान होते हो, हर काम यहां से करते हो, और धरती माँ की तरह स्टेबल और बैलेंस्ड और मातृत्व की भावना, ये तो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो आप रिलेट कर पाए मैंने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। अगर आपको भी लगा कि आप भी कुछ कुछ ऐसे ही हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कितने परसेंट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स
ये मैच किए हैं। ऐसे ही हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है राशियों की, जो कि 6 बजे अपलोड हो जाती है। तो अब आपका जो दूसरा वीडियो आएगा वो नेक्स्ट राशि का आएगा। तो और लास्ट में जो मैं मैजिकल टिप देती हूँ वो सुनने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।